हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त रविंद्र सियान, एक मोटिवेशन स्पीकर एंड ए क्रिएटर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नेगेटिविटी के बारे में। आखिर नकारात्मकता है क्या और क्यों हम इसके शिकार हो जाते हैं? अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है और पर्वतों जैसे ऊंचे, समुंदर जैसे गहरे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना है, अपने टारगेट तक जाना है, तो ये लक्ष्य आपके, ये टारगेट आपके कुछ भी हो सकते हैं। विद्यार्थियों की परीक्षाएं हो सकती हैं, व्यापार की समस्या हो सकती है, बिजनेस की सेल्स वगैरह हो सकती है, और इन सभी प्रकार के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको सर्वप्रथम मोटिवेट रहना पड़ेगा। और इसके साथ साथ आपको अपने अंदर या आपके आसपास नेगेटिविटी और नेगेटिव लोगों से और उनके विचारों से बचना होगा। कोई व्यक्ति नेगेटिव है, उसकी सोच नकारात्मकता है, अगर वो हमारे संपर्क में आ जाए, वो कोई भी हो सकता है, सबसे पहले आपको उन सभी की पहचान करनी होगी कि क्या आपके आसपास कोई ऐसा सोच वाला बंदा तो नहीं है। वह आपका दोस्त हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है, कोई पड़ोसी भी हो सकता है। आपने उनकी पहचान करके उनसे बचना होगा। ये लोग सदैव दूसरों में बुराइयां ही ढूंढते हैं, उन्हें किसी की अच्छाई दिखाई ही नहीं देती। आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, ऐसे लोग अपने दायरे में सीमित रहते हैं और न ही ज़्यादा किसी से बात करते और ना जो कुछ भी करेंगे वो सिर्फ एक बुराई के तौर पर ही वो प्रयोग करेंगे। ऐसे लोग आपके साथ ग्रुप में बैठे हो सकते हैं, घर में हो सकते हैं, स्कूल में हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं। डिसीजन करिए, पहचान करिए, सबसे पहले अपना टारगेट बनाइए, उनकी पहचान करिए, कौन ऐसा व्यक्ति है जो आपको नकारात्मकता की ओर धकेल रहा है। जैसे आसमान में बादल छाने के बावजूद धरती पर अंधेरा छा जाता है, ठीक इसी प्रकार से हमारे मन में नकारात्मक भाव आने से हमारे जीवन में भी अंधेरा छा जाता है। इन लोगों की सबसे बड़ी समस्या यही है कि ये सदैव एक प्रॉब्लम का पिटारा लिए अपने साथ घूमते रहते हैं, और इनका व्यवहार नकारात्मक सोच के साथ साथ इनका स्वभाव भी नकारात्मक बन जाता है। आप चाहे इन्हें कितने ही खुले आसमान में, खुली ज़मीन पर छोड़ दीजिए, वहाँ पर भी ये सुंदरता देखने के बजाय वहाँ पर भी सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी के बारे में ही देखेंगे। नेगेटिविटी और थिंकिंग, लोगों से बचने के लिए आपको सर्वप्रथम उनका साथ छोड़ना होगा, उनसे डिसीजन करना एक मूर्खतापूर्ण कार्य होगा, आपको उनसे सर्वप्रथम अपना पीछा छुड़ाना होगा, उनसे बचना होगा, चाहे आपके दोस्त हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो सकते हैं। सही दोस्त और सही मित्रों का चुनाव कीजिए, रिश्ते नातों का चुनाव कीजिए, जो आपको अंधेरे से उजाले की ओर लेके चले। अभी आपके जीवन में घनघोर अंधेरा है नेगेटिविटी का, लेकिन ये अंधेरा आपका धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा और आप फिर से दोबारा से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए चल पड़ोगे। निराशा के भाव को छोड़कर उत्साह और नए गोल और नए लक्ष्यों के साथ अपना पूर्ण धैर्य बनाकर निश्चय करके अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़, फिर देखिए आपके लक्ष्य, आपके टारगेट क्यों नहीं पूरे होते। आप कर सकते हैं, तो बुरे लोगों को और बुरे विचारों को छोड़ नहीं सकते। कौन कहता है कि नेगेटिविटी से बचा नहीं जा सकता, उससे बाहर नहीं निकला जा सकता। एक जोर लगाकर पूर्ण शिद्दत के साथ एक प्रयास तो करके देखिए अपने गोल को प्राप्त करने के लिए, फिर देखिए आपके जीवन में उजाला आएगा, रोशनी की नई किरण आएगी और आप फिर से उसी पुराने जोश के साथ से फिर अपने आप को तैयार करेंगे, फिर पूर्ण रूप से आप खड़े होंगे। एक किसी शायर ने लिखा भी है, कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, कौन कहता है
कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो शिद्दत से उछालो यारो। इसी प्रकार से ठीक हमें अपनी मेहनत और लगन और परिश्रम से एक ऐसा पत्थर उछालना है जो हमारे लक्ष्य को, टारगेट को पूरा करने में हमारी मदद करे। फिर देखिए हमारा जीवन कैसे निखरता है और किस प्रकार से हम एक भीड़ से अपने आप को अलग कर पाते हैं। इस भीड़ से हम ऑटोमेटिकली ही अलग हो जाएंगे, अपना मन शांत हो जाएगा। मन शांत है तो आपका सब कुछ कर सकते हैं, सभी विचारों से आप निकल सकते हैं, चल सकते हैं, इस दुनिया में आप रंग दोबारा फिर भर सकते हैं। तो यही है दोस्तों आज की वीडियो का सार। तो कैसा लगा यह वीडियो, क्या आपको अच्छा लगा? अगर हाँ तो प्लीज़ अपने व्हाट्सएप पर जाइए और इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि उनकी भी थोड़ी सी हेल्प हो सके। और इसी के साथ एक छोटा सा मेरा मैसेज भी उन तक पहुंचेगा। और कैसा लगा यह वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।